फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल ने 100 करोड़ से ज्यादा की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में टोहाना में बाईपास, जिले के 4 गांव में जलघर और 1 गांव में स्वास्थ्य केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा 15वें दिन सिरसा पहुंची, जहां लोगों ने सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सरकार के कार्यों को जनता के सामने रखा और सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने पीएम मोदी के लिए बनाए गए हेलीपैड, प्रदर्शनी स्थल, मुख्य मंच और आम लोगों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो को बड़ा झटका लगा है। इनेलो के 4 पूर्व विधायकों ने आधिकारिक तौर पर आज जेजीपी को ज्वाइन कर लिया। नैना चौटाला, प्रीति नंबरदार, राजदीप फोगाट, अनूप धारक ने दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में आज जेजेपी की सदस्यता ली। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नए लोगों को जारी किया है। नए लोगों का उद्देश्य चुनाव को एक महोत्सव की तरह मनाना है, जिससे कि प्रदेशवासी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। नए लोगों में राष्ट्रीय पक्षी मोर को दर्शाया गया है, जिसका मतलब विजन, गर्व और सुंदरता है। इस मौके पर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस चिन्ह से हमें ये दर्शाना है कि भारत के लोकतंत्र पर हर शख्स को गर्व है और चुनाव में मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव अपनी जन सरोकार यात्रा को लेकर हिसार पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। योगेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार और सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी जन सरोकार यात्रा मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का एक जवाब है, जिसके तहत वो उनसे विकास के मुद्दों पर किए जा रहे दावों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। घरौंडा नगर पालिका ने ODF +++ का प्रमाण पत्र हासिल किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने नगर पालिका की ओर से बनवाए गए 13 शौचालयों का सर्वे किया था, जिसके बाद पालिका को +++ का खिताब दिया गया। घरौंडा नगर पालिका हरियाणा की एक ऐसी पहली नगर पालिका बन गई है जिसने ODF +++ का प्रमाण पत्र हासिल किया है। नगर पालिका हाउस की बैठक करवाने और सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर चेयरमैन गुट का धरना 4th दिन भी जारी है। धरने पर बैठे संघ के प्रदेश महामंत्री सतीश सेठी ने प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई मामलों में करोड़ों के घोटालों की बात करते हुए किसी भी एजेंसी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि PWD विभाग ने 1321 करोड़ रुपयों के काम करवाए हैं, जो पिछली 3 योजनाओं में नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी जिले में इतनी लागत से सड़क निर्माण का काम नहीं किया था। वहीं PWD के काम को गिनवाते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि रेवाड़ी भाड़ावास रोड पर रेलवे लाइन पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनेगा। यमुना नगर में हो रहे खनन की प्रधानमंत्री ऑफिस को की गई शिकायत के बाद चंडीगढ़ से खनन विभाग की टीम ने खनन क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर खनन विभाग के डायरेक्टर अमिताभ ढिल्लों भी खनन एरिया को देखकर सख्ते में रह गए। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले में PMO में शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता का कहना है कि उससे कोई संपर्क नहीं किया गया।